आई नीड योर हेल्प गाइस एंड यू वॉच आवर वीडियो एंड अंडरस्टैंड योर पॉइंट देन यू कमेंट एंड व्हाट यू थिंक। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, और आप बहुत सारी वीडियो देखते होंगे, अपना टाइम वेस्ट करते होंगे या जो भी है, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखिए और जो मैं कह रहा हूँ हमारी बात को समझिए, और उसके बाद में जो आपके विचार होते हैं और वीडियो देखने के बाद में जो आप कहना चाहते हैं, प्लीज़ भाई वो आप लोग अपने सुझाव कमेंट में भी कर सकते हैं। जो लोग कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वो लोग जैसे कि हमें पर्सनली कहना चाहते हैं तो वो लोग आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगी और आपकी मोबाइल स्क्रीन पे भी शो कर रही होगी, तो वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, और ये कोई व्लॉग नहीं है ना कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो है, ये केवल एक मुझे नीड की ज़रूरत है, आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जैसे कि मैं देखिए हॉस्पिटल से संबंधित वीडियो बनाता हूँ आप सभी लोगों के हेल्प के लिए, मतलब मैं आपके लिए हर जगह पहुँच नहीं पाता हूँ, लेकिन जो मैं बताता हूँ जो जानकारी देता हूँ उससे आप लोगों को हेल्प मिल जाती होगी। तो वैसे ही दोस्तों मुझे आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगा भाई कि देखिए आप सब लोग भी अपने फैमिली मेम्बर जैसे हो, अपने परिवार के सदस्य जैसे ही हो सभी लोग, तो मुझे लगा कि ये बातें आपको बतानी चाहिए, और हो सकता है कि ऐसा आपके साथ भी हुआ हो, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और वैसे मैं आज दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला था, लेकिन ये मुझे लगा ज़रूरी है इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए बात ऐसी है कि सभी को पता है कि अपनी शादी फिक्स हो चुकी है, शादी तय हो चुकी है, और अगले ही महीने फरवरी को जो है कार्यक्रम है भाई, तिलक वगैरह जनेऊ वगैरह है, और बस सब कुछ अगले महीने है फरवरी में। तो अब बात भाई समझिएगा, बात ये है कि देखिए हमारे घर के पास में ही जस्ट अपना एक खेत है, ठीक है। तो मैं बहुत ही कम शब्दों में और उसको एक्सप्लेन करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, और आई होप आप हमारी बातों को समझेंगे, और जो आपके विचार होते हैं जो आई थिंक वो आप लोग हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा भाई, ठीक है। तो देखिए अपना जो है खेत है, ठीक है, वो खेत जो है भाई जो खतौनी होती है जो कागज़, ठीक है, उसमें 9 बिसवा कुछ बिसवांशी का है। अब देखिए भाई मुझे सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो अब जिसको जिस टॉपिक पे जिस क्षेत्र के बारे में नॉलेज है वही आपको मैं बताता हूँ, सबके नॉलेज अलग अलग होती है, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, ठीक है, मुझे हॉस्पिटल के बारे में सही जानकारी है, कैसे क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ बताता हूँ। वैसे ही हो सकता है कि मेरा कोई सब्सक्राइबर होंगे बहुत सारे हैं, कोई मतलब लेखपाल हो, या फिर किसी के जानने वाले, किसी के घर में कोई परिवार में लेखपाल हो, और कोई कानून को जानने वाला हो किसी का। तो भाई देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मेरी बातों से मेरे मुख से निकले हुए शब्दों से अगर आप लोगों को ठेस पहुँचे या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो तो मैं पहले ही क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बात को पूरी समझ लीजिएगा तब आप कुछ कहिएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो भाई देखिए मैं कह रहा था ये जैसे खतौनी हो गई कागज, ठीक है, खेत का। तो भाई मेरा जो खेत है, जो घर के पास वाला खेत है सबसे पास में, तो वो इस कागज के अकॉर्डिंग में वो खेत है 9 बिसवा कुछ बिसवांशी का, ठीक है। और मेरा जो मौजूदा खेत है वही वाला, वो समथिंग 6.5 या 5 और 6 बिसवा के बीच में है, जिसको हम लोग जोतते हैं, जिसपे गेहूं चावल उगाते हैं, ठीक है, वही खेत है। लेकिन मेरा खेत इसके अकॉर्डिंग में मतलब कम है मेरा, तो समथिंग 4 बिसवा के आसपास मुझे मिलना चाहिए खेत। तो उसके लिए दोस्तों जो है शायद जब मेरा पुराना वाला चैनल था, ठीक है, जो डिलीट हो गया है, तो उसमें मैंने एक बार और इस बारे में बताया था वीडियो, और जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्ती करके और पैसा दे के थाने में भाई जो है लेखपाल को इधर उधर करके जो है वो बनवा लिए थे भाई, ठीक है, आधा मतलब आधे ज़्यादा वो बना लिए थे। तो हम लोग भाई क्या है, पढ़े लिखे शिक्षित समझदार लोग हैं, ठीक है, तो हम लोग कानूनी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग जो है काम कर रहे हैं भाई, अपने पहले कागज मजबूत कर रहे हैं, जो कागज कानून गो साहब और जो भी लोग हैं बता रहे हैं वो मैं कागज मतलब हमारे पापा जो बनवा रहे हैं। और आप लोग ये बात सभी लोग को पता है, सभी लोग समझते हैं कि जो गवर्नमेंट का काम होता है, जो सरकारी काम होता है, उसमें टाइम लगता है कोई भी काम हो। तो भाई कोई हेलो पुड़ी का खेल तो है नहीं कि आप आज पैसे दे दिए और कल कागज मिल गया, परसों आपका काम हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो भाई जो भी कागज थे वो सारे कागज हमारे पापा ने मतलब धीरे धीरे करके और हाँ एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, मेरा जो जहाँ पे मेरा गांव है, जो निज निवास है, जो खेत वगैरह हैं जो भी हैं, वो पड़ता है रायबरेली जिला लगता है हमारा, तहसील पड़ती है महाराजगंज, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और
एक चीज और है दोस्तों कि हमारे पापा जो है, हम लोग तीन भाई हैं, एक हमसे छोटा है ठीक है, और वो भाई जो है अब खुद की कार है तो वो गाड़ी चलाता है अपना ठीक है, और सबसे छोटा वाला भाई वो भी पढ़ता है, और एक बहन है और पापा है मम्मी है। तो भाई मेरे पापा जो है और मेरा भाई है मुझे आज तक कहीं थाने जाने नहीं देते हैं। उनको पता है कि भाई देखिए मैं एक जॉब पे हूँ ठीक है, तो अब नौकरी के लिए दिक्कत हो सकती है अगर मैं थाना पुलिस के चक्कर में पड़ूंगा जो भी है, तो मुझे वो मेरे पापा और भाई मुझे ना थाने जाने देते हैं, ना किसी से बात करने देते हैं, ना ही लेखपाल कानून को, ना ही कभी कोर्ट कचहरी में कभी नहीं गया हूँ ठीक है, आज तक कभी नहीं गया हूँ। शायद एक बार गया बहुत पहले, ऐसे चला गया था पापा के साथ में, और ऐसे कभी किसी काम से नहीं गया हूं, तो मुझे कोई जाने नहीं देता है, और ना ही मुझे इस बारे में टॉपिक पे कोई बोलने देता है कि आप इस चीज को बोलो, मतलब लड़ाई दंगों में बिल्कुल नहीं। तो जो काम होता है बाहर का वो पापा और भाई मारे करते हैं ठीक है, बट मुझे आज बोलना पड़ रहा है, आज इस बात को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है आप लोगों के सामने कि शायद आप लोग कुछ सुझाव दो ऐसे कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए ठीक है। तो इसके मैं अपनी इस कागज के अकॉर्डिंग चल रहा हूं ठीक है, और ये जो मेरा नक्शा है भाई वो छोटा है, आप बात को समझिएगा, वो नक्शा कागज के अकॉर्डिंग छोटा है, और इस कागज में मेरा 9 बिस्वा कुछ बिस्वांसी का मौजूदा खेत है, और हम लोग जो बोते हैं वो 5 और 6 बिस्वे के बीच में है। तो हमारा भाई जो खेत है वो कहीं, वो जब लेखपाल नापने आएंगे तो किसी दूसरे के खेत में या कहीं भी निकलेगा तो वो पूरा आसपास के खेत और जो चौहद्दी होती है वो पूरा नापेंगे, बात को समझिएगा ठीक है भाई। लेखपाल जब आएंगे, लेखपाल कानून को और भी वो पूरे सिस्टम से पूरा अपना नापेंगे हाँ, तो अब मुझे तो पता नहीं वो जमीन मेरी किसके खेत में निकलेगी। तो बात ये है कि मेरे खेत के जस्ट बगल में एक लोग हैं भाई, वो परिवार मतलब मोहल्ले के ही लोग हैं, वो भी शुक्ला ही हैं, हम तिवारी हैं ठीक है। तो वो जो है एक्चुअली बनवा दिए थे इससे पहले जो एसओ साहब आए थे, जो भी हो मैं ये नहीं कह रहा हूँ हाँ, हालांकि मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि उन्होंने पैसा लिया था, लेकिन सबको पता है कॉमेंस वाली बात है कि बिना पैसे का कुछ नहीं होता है आज के समय में। और भाई मैं क्या हूं, मैं घूस से सख्त नफरत है भाई, जब मैं एक पैसे का घूस कहीं लेता नहीं हूं, ना मैं हराम के कोई पैसा कमाता हूं, तो मैं पैसा क्यों दूं। और दूसरी बात है जब भाई पुलिस वालों को उनकी सैलरी मिलती है उनके काम की, जब लेखपाल को उनके काम का पैसा मिलता है, जब गवर्नमेंट पैसा पे कर रही है, तो मैं पैसा क्यों दूं भाई, बस मेरा बस मानना ये था ठीक है। तो उन्होंने जैसा तैसा करके इधर उधर पैसा घूस दे के बनवा लिया था, कुछ नहीं बोला मैंने। और फिर से भाई अब क्या है, जैसा कि पता है कि 14 तारीख को, 14 फरवरी को जो है हमारा तिलक है, जनेऊ है, कार्यक्रम है, बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, करनी पड़ती हैं, तो वो भाई जान के बनवा रहे हैं, मतलब जबरदस्ती, मतलब एक तरह से कह सकते हैं बनवा रहे हैं ठीक है। तो वो बाउंड्री उठा रहे हैं हमारे बिल्कुल खेत के पास से, पूरी आर पार बाउंड्री उठाने की प्रयास कर रहे हैं। तो आज जो है ना एक्चुअली जो है बहुत से लोग आए थे, लेकिन मैं वहां का वीडियो नहीं बनाया था, गांव के प्रधान जी थे और जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, काफी लोग थे, तो उनका भाई समझौता वो ये मतलब कह रहे हैं कि बाउंड्री उठा लेते हैं और जो है आपका जब नपेगा तब नपेगा। तो भाई मेरा कहने का मतलब है कि अब हाँ, मैं इस चीज को भी समझ रहा हूँ, उनकी माता जी जो थी दूसरे पार्टी की, उनके घर में भी 2 या 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उस चीज को समझ रहे हैं ठीक है, कि मतलब उनका पूरा एरिया खुला हुआ है ना, उनका कमरा बना हुआ है और पूरा खुला हुआ है, उनके घर के भी जो बहू वगैरह हैं, जो उनके घर में औरत लोग हैं, तो थोड़ा सा ऐसे साड़ी का पर्दा बना रखी है, वहां पे नहाती हैं। हम उस चीज को भाई समझते हैं कि लड़ाई दंगा कोई अच्छी बात नहीं है, और कि लड़ाई दंगा थाना पुलिस कोई भी ये सब नहीं कोई करना चाहता है, लेकिन भाई सोल्यूशन ये है कि मेरा जो खेत है भाई वो तो मुझे मिलना चाहिए ना। अब बाई चांस मैं इसलिए रोक लगा रहा हूँ कि अगर बाई चांस जब नपेगा मेरा खेत जो जो कम है 3-4 बिस्वा, वो अगर उनकी जमीन में निकलेगा तो वो तो दीवार तोड़ेंगे नहीं भाई, और ठीक है उनका जो कमरा बना हुआ है दीवार अगर उठवा लेंगे, आधी तो उठा ही चुके हैं, जो आधी जगह बची है वो पूरा आर पार फिर से उठाने जा रहे हैं, तो वो तो तोड़ी नहीं जाएगी एक बार बन गई दीवार, ना ही कोई सरकार तोड़वा सकती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो दोबारा नहीं तोड़ा जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। और फिर बाद में यही बात होगी कि जब ये बन रहा था तो आप लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तो भाई मैं मतलब हमारे पापा हमारे घर वाले जो है सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर रहे हैं, और डॉक्यूमेंट्स सारे बन भी गए हैं भाई ठीक है, जो जो डाटा संख्या के जो कागज लेखपाल ने बोला था वो सारे निकलवा लिए हैं। अब क्या होता है भाई कि नक्शा बड़े बड़ा लेखपाल और कानून गो ने ये बोला था, आप शायद जो जो मैं डॉक्यूमेंट्स बोल रहा हूँ उसको आप निकलवाइए जाके लाइब्रेरी से, उसके बाद में फिर इस पे जो है कि वो होगा, याद नहीं आ रहा, केस होगा और 3-4 पेशी पड़ेंगी, उसके बाद तब हम सब लोग नापने आएंगे। तो अब भाई क्या हो रहा है, बात को समझिएगा पॉइंट। तो अब जो है भाई लेखपाल जो है रोड टरका रहे हैं, लेखपाल कानून को वो साइन नहीं कर रहे हैं, सारी फाइल उनके पास में है, ना ही वो कागज दे रहे हैं और ना ही साइन कर रहे हैं भाई। कानून गो की मैं बात कर रहा हूँ और लेखपाल की भी बात कर रहा हूँ। और एक बात मैं बता रहा हूँ भाई, जो
प्रधान है आज भाई, ठीक है, प्रधान ने अपने फोन से फोन किया लेखपाल को, उनका फोन उठा लिया और जगह पे हमारे भाई ने आज फोन किया, हमारे सबके बहुत सारे लोग थे, उनके सामने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनका हमारे भाई का फोन नहीं उठाया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, बहुत गुस्सा लगी कि बात को समझिएगा। अब कंटिन्यू दो तीन लोगों ने और फोन किया, उनका फोन नहीं उठाया, प्रधान का उठा लिया, और जिस पार्टी से मेरा विवाद चल रहा है, ठीक है, वो भी शुक्ला है, उनका फोन उठा लिया, उनके फोन से किया, उनका फोन उठा लिया, सिर्फ हमारे फोन से, मतलब हमारे भाई के फोन से और पापा के फोन से नहीं उठाया। और दूसरी बात यह है, जो हमारे यहाँ के भाई महाराजगंज के जो कानून गो साहब हैं, ठीक है, वो भाई मैं बिल्कुल अपनी रोजी रोटी पे बैठा हूँ, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ भाई, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बाई चांस इसलिए मैं बना रहा हूँ कि हो सकता है इन फ्यूचर कोई बहुत बड़ा विवाद हो या कोई बात हो जाए ऐसी, कि ये तो रहेगा कि हाँ मैंने जो है वीडियो बनाया यूट्यूब पे और डाला है, इस चीज़ को पूरा एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं बना रहा हूँ कि हाँ वो वीडियो लोग देख सकते हैं, ठीक है, इन केस कोई आगे चल के प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा हुआ या कोई बात ऐसी हो गई, ठीक है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो कानून गो साहब भाई हमारे पापा को इतना परेशान कर रहे हैं कि वो बुलाते हैं, आज ठीक हमारे रूम पे आइए, कानून गो बोलते हैं और लेखपाल लोग बोलते हैं कि आज हमारे रूम पे आइए, फिर रूम पे जाते हैं तो वो मिलते नहीं हैं, मिलते भी हैं तो कहते हैं कि अभी बहुत लोग हैं, आप सुबह आइए, फिर सुबह बुलाते हैं, फिर कहते हैं कि ठीक है कल 11 बजे आप हमें उस गांव में मिलिए, फिर पापा हमारे वहां जाते हैं, ऐसा भाई एक महीने से चल रहा है, ठीक है, और जो है ये तो एक महीने से चल रहा है, उसके पहले जो कागजी कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है, वो लगभग 6-7 महीने हो गए, तब से चल रहा है ये कार्यक्रम, लगभग कोई काम नहीं हो रहा है भाई। और दूसरी बात यह है कि पापा तो भाई झूठ बोलेंगे नहीं, पापा ने बोला है कि लेखपाल ने बोला है कि आपका 4-5 विषय का मैटर है तो आप मुझे 50,000 रुपये की उन्होंने डिमांड किया है भाई, और मैं पैसा भाई क्यों दूं, मेरी जमीन है, मेरा मैं पैसा क्यों दूं भाई, मेरे पास हराम का पैसा नहीं आता है, सभी लोग मेहनत का पैसा कमाते हैं। और दूसरी बात यह है भाई, जब उनको उनके काम के पैसे गवर्नमेंट पे कर रही है, उनको सैलरी मिल रही है, तो मैं 50,000 किस बात के दूं भाई, समझ रहे हो, मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ, इसलिए जो है वो टरका रहे हैं, लेट पे लेट कर रहे हैं। और दूसरी जो पार्टी है उनका कहना है कि मैं इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं तुरंत बनाऊंगा, तो बस यही टॉपिक है, यही बात है भाई कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे बोलने की ज़रूरत है, अब मुझे अपने स्तर से इस काम को हैंडल करना पड़ेगा। अब कब तक भाई पापा से काम नहीं हो रहा है, पापा को मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक है, बात डर की और बात कमजोर की नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं कागजी तौर पे काम करना चाहता हूँ, सरकारी तौर पे प्रोसेस से, ठीक है, वो केवल समझौता करना चाहते हैं, बात समझ रहे हो। तो बस टॉपिक ये है कि भाई कि लेखपाल और कानून को साइन कर दें, फाइल को आगे बढ़ा दें और 2-4 पेशी होंगी और मेरा जमीन नप जाएगा, दैट्स ऑल, इतना मैटर है। और वो साइन कर नहीं रहे हैं, और दूसरी पार्टी है वो तुरंत 2-3-4 दिन के अंदर बनवाना चाहती है, बन जाएगा तो फिर टूटेगा नहीं, बस बात ये है भाई। और प्रधान जो है भाई गांव के, वो जो है अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो भी है वो पल रहा उनका मतलब उनके फेवर में ज़्यादा बोलते हैं, उनके फेवर में ज़्यादा है, मैं सीधी बात कर रहा हूँ भाई, कोई मतलब उन्होंने जो आज बोला है, जो लोग आज आए थे, मुझे कोई संतोषजनक उन लोगों का रवैया और उनके जो उन्होंने कहा, मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिला कि उनको ऐसा कहना चाहिए था, ठीक है। तो ये कह रहे हैं प्रधान, तो कह रहे हैं कि उनको बना लेने दो, और भाई ऐसे कैसे बना लेने दें, बस बन भी जाएगा कोई बात नहीं, मेरा कोई मकसद, मेरा कोई टॉपिक ये नहीं है कि वो ना बनाए, बिल्कुल बना लें, ठीक है, लेकिन मेरा जब भाई जब बढ़ेगा, अगर बाई चांस उनकी जमीन में निकला तो भाई वो मुझे कैसे मिलेगा, तब तो दीवार उनका कमरा टूटेगा नहीं ना, बस बात टॉपिक सिर्फ इस बात की है। और दूसरी बात यह है कि 2-3 लोग अब और है, अभी तक केवल मैं सारा पापा हमारे दौड़ भाग रहे थे, मैं नपाने की अपना खेत नपाने की कोशिश कर रहा था, अभी क्या है आज 2-3 लोगों ने और बोला, जो हमारे खेत के बगल में हैं 2-3 लोग हैं, अब वो भी कह रहे हैं हम भी अपना नपवाएंगे, बोल रहे हैं कि हमारा भी कम है, अगर उनका कम है फिर वो हमारे खेत में निकलेगा, तब फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो यही सब चीज़ें बातें हैं भाई, तो यही मैं कहना चाहता हूँ। तो अब मुझे लगता है कि भाई मुझे, हाँ हमें पता है आप लोग के सवाल जहन में और सब चीज़ें आ रही होंगी मन में कि आपको डीएम के पास जाना चाहिए, एसडीएम के पास जाना चाहिए, ठीक है, तो मुझे लगता है अभी तक मैं डीएम के पास में नहीं गया हूँ और शायद पापा भी नहीं गए, मुझे लग रहा है एसडीएम तक ये बात गई है, तो अब मुझे लगता है कि मुझे इस केस में अब इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मुझे अपने स्तर से बात करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो भाई देखो, जो पढ़ा लिखा शिक्षित एक लोग होते हैं, अब मैं किसी से डरता नहीं हूँ, अगर आप डीएम हैं भाई, ठीक है, तो आप
जो है आम पब्लिक के लिए, जनता के लिए ही तो कुर्सी बैठे हो ना, काम करने आए हो ना, मैं आपसे क्यों डरूं? आप डीएम हो वो ठीक है, हाँ कैसे बात करनी है, किस तरीके से, किस प्रोसेस से आप तक पहुंचना है, अपनी बात रखनी है, वो एक तरीका अलग है, ठीक है। अब आप एसडीएम हो, कोई बहुत बड़े वो हो, तो मैं आपसे क्यों डरूं भाई? मैं अपनी, मेरा पूरा हक है, आम पब्लिक का, जनता का पूरा हक है अधिकारी से बात करने का, अपनी बात पहुँचाने का। तो मुझे लगता है कि अब मुझे सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और डरने की कोई भी, मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों से एक राय ले रहा हूँ कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है, आई रिपीट अगेन, कि मेरा शादी है अगले महीने, कार्यक्रम है, और वो बनवाना भी चाह रहे हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि इनका पैसा बर्बाद हो, ठीक है, और जो है इनका काम रुके, अब जो भी हो मुझे नहीं पता भाई, इनका मेन मकसद तो यही है ना। मैं तो यही कह रहा हूँ कि जहाँ इतने दिन, वहाँ एक दो तीन महीने और रुक जाओ। अब भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हमारे पापा भी कर रहे हैं, कि जल्द से जल्द ये नप जाए, कोई विवाद नहीं है, लेकिन वो तुरंत बनवाना चाहते हैं भाई, यही यही बातें हैं। मुझे लगता है कि मैंने सारा कुछ आपको मैंने बता दिया है, और आप लोग आई होप समझ गए होंगे। तो भाई प्लीज़ जो है ना, जो भी लोग हैं, जो भी आपको इस बारे में नॉलेज हो, तो भाई प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा हमें राय दीजिए, कमेंट करिए, मार्क दिखाइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर तो भाई मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, और क्या करना चाहिए, ठीक है। और वीडियो बहुत लंबा हो गया है, और मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ में। चैनल पे आप लोग नए हो तो, नए हो भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि और हमारे जो चैनल पे आने वाली वीडियो हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके। और बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगी। तो भाई जो लोग कमेंट नहीं करना चाहते हैं कि डायरेक्ट कमेंट, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे पर्सनली हमसे बात भी कर सकते हो कमेंट, और वहाँ पे बातें हो, जो भी आप कहना चाहो वो कर सकते हो, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।